इधर आके बता अपन क्या हो गया भाई। अरे ये ही ना, हाँ ये बोलते भागो ना से, क्यों हम भागे थे तो इनके चक्कर मान जा फूट गए उनके दिमाग। अच्छा हटाने की इजाजत दी। अच्छा 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 इस बच्चे ने एक पुलिस वाले को 100 रुपए की घूस नहीं दी तो एक पुलिस वाले ने या दो पुलिस वाले ने इसकी गाड़ी, इसके अंडे का ठेला ही पूरा पलटा दिया। सिर्फ 100 रुपए की घूस नहीं दी तो इन्हें आदेश मिला है कि पेंडेमिक के चक्कर में दुकानें ना लगाई जाए, लेकिन ये एक इसेंशियल सर्विस की दुकान थी, मतलब इसकी छोटी सा एक ठेला था अंडों का। ठीक है, उसने ये बात माना बच्चे ने और वो जा रहा था वहां से, लेकिन उसने इस पुलिस वाले को, एक पुलिस वाले को 100 रुपए की घूस नहीं दी तो इसकी गाड़ी गिरा दी। मतलब ये है हमारी सरकार और ये है उनका राज। किसी ने खूब कहा है कि अंग्रेज तो चल गए लेकिन इस देश से गुलामी नहीं गई। दूसरे वीडियो में आप देखिए कि एक पुलिस वाला कैसे सब्जियों की गाड़ी को उल्टा रहा है। इसे इतना भी मतलब अनाज के प्रति प्रेम नहीं है, इतनी भी इसकी अनाज के प्रति भावना नहीं कि मैं ये गाड़ी की उल्टाऊँ। ये अनाज है, मैंने इनको जाने को कहा है, लोगों को जाने को कहा है, किसानों की मेहनत पे, और इस पर इसको कोई भी तरस नहीं है। मतलब आज हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उनके बनाई हुई अनाज की चीज़ पे जिससे लोग ये करते हैं और ये पुलिस वाले ऐसे उल्टा रहे हैं। सही है, मेरे को तो ये इस वीडियो में और ये सब देख के लगता है कि गरीब के यहाँ से उसको स्वतंत्रता नहीं मिली, आज तक की नहीं मिली उसे स्वतंत्रता। वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी में ही जी रहा है। सरकार सिर्फ आती है, वोट लेती है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सरकार या वो सरकार, सरकार सिर्फ आती है, वोट लेती है और कहती है कि बस आपको स्वतंत्रता मिल गई, और जैसे ही जिस दिन वो उनके अहदे संभालते हैं बेचारा गरीब फिर गुलामी करने लगता है, चाहे वो उसकी मजबूरी हो ये हो। इसे समझना चाहिए कि सब्जी की गाड़ियाँ किसने, कौन से गरीब आदमी ने कैसी लगाई है इस लॉकडाउन के टाइम पे। इसमें से कुछ लोगों ने तो कर्ज लेके गाड़ी लगाई थी, हमारे संवाददाता ने बात करी। अब आप इस वीडियो पे क्या कहेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये आवाज़ जानी चाहिए। स्वतंत्रता में अगर हम जी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे घर में आराम से बैठा हूँ, एसी चालू है, बस मेरे को स्वतंत्र है, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में अगर किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे ज़्यादा जीने का हक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में अगर कोई गरीब आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे जीने का हक नहीं है। नहीं, अगर आज ऊपर वाले ने हमें अच्छी पढ़ाई, अच्छी लिखाई, अच्छी समझ और सब दिया है तो ये हमारा काम है कि हम दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का, जो भी आपसे मौका बने, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अभी आज ये वीडियो रिलीज हुआ है तो आपका ये काम है कि इस बच्चे की और इन जिनकी भी आज की तारीख में ये दुकानें गिरी है, इनके लिए आवाज़ उठाना और इनकी मदद करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत पहाड़ उठाना, ये नहीं, सिर्फ ज़्यादा में ज़्यादा आप ये वीडियो को शेयर कर दिए और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाए तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि इस दुनिया में यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर रिपब्लिक होना है तो यूनिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।